उसने, जैसा कि आप सबको पता है कि शॉमी ने रिलीज कर दिया अपने शॉमी के लगभग सभी डिवाइस में, जो पहला बेस में था, जो दूसरा बेस में था और जो तीसरा बेस में था, तीनों बेस के डिवाइस के लिए शॉमी ने MIUI 10 का अपडेट तो चालू कर दिया है। तो जो पहला और दूसरा बेस के जो डिवाइस थे उनमें तो पहले से MIUI 10 का अपडेट तो आ चुका था, और जो तीसरा बेस में था डिवाइस Redmi Note 3 और Redmi 3S, उन डिवाइस में भी MIUI 10 का अपडेट आ गया है, जिसका बिल्ड है MIUI 10 8.2 यानी 8 अगस्त 2018 की अपडेट आ चुकी है। और जैसा कि मैं आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिखा दूं, मैं जो अभी डिवाइस यूज कर रहा हूँ ये Redmi Note 5 Pro है, और दोस्तों इसमें भी MIUI 10 ग्लोबल 8.2 की अपडेट मिल चुकी है। मैं फ्लैश कर दे रहा हूँ जो सपोर्टेड डिवाइस है जिनमें अपडेट मिल चुकी है MIUI 10 की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपको अपडेट कैसे करना है, आपको MIUI 10 8.2 की अपडेट कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आप पहले से MIUI 10 826 बीटा पे है या MIUI 10 के बीटा पे है, तो आप अपने सिस्टम अपडेट में जाकर एक बार यहाँ पे चेक सिस्टम अपडेट चेक कर ले, चेक फॉर अपडेट। तो अगर आप MIUI 10 8.2 से पहले के अपडेट में है तो आपको यहाँ पे एक ODA मिल जाएगी, आप उसे ODA के थ्रू से अपडेट कर देना, यहाँ पे अपडेट करके उसे रिबूट कर देना, तो आपका जो डिवाइस है MIUI 10 8.2 में अपडेट हो जाएगा। और अगर आपका डिवाइस आप MIUI 9 पे है, तो सबसे पहले आपको MIUI 10 8.2 की जिप फाइल को डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करके हम लोग को यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद चूज अपडेट पैकेज में क्लिक करके हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर भी उस फाइल को रखा है उसे चूज करके हम लोग इसे यहाँ से फ्लैश कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे अपडेट करना है, तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लेना। और अगर आप MIUI 9 पे है तो प्लीज आप अपने सभी डाटा का बैकअप कर लें, आप MIUI 9 से MIUI 10 पे जाएंगे तो आपका डाटा जो है वो एरेज हो जाएगा। तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप MIUI 9 से MIUI 10 पे जा रहे हैं तो प्लीज आप अपने डिवाइस का बैकअप ले लें। तो ये तो बात होगी कि MIUI 10 में कैसे अपडेट करना है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि MIUI 5 Pro में MIUI 10 8.2 की अपडेट जो है Redmi Note 5 Pro में क्या अपडेट लाया है, क्या फीचर्स लाया है Xiaomi के डिवाइस में और 5 Pro के डिवाइस में। तो दोस्तों अभी भी सैड न्यूज है कि Redmi Note 5 Pro में कैमरा बूस्ट होने के बाद भी Redmi Note 5 Pro में अभी भी 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, 4K तो छोड़िए फुल HD 1080p एट 60 FPS भी नहीं है। तो ये बहुत ही शेम की बात है Xiaomi के लिए कि कैमरा Redmi Note 5 Pro को बोलते हैं कैमरा बूस्ट होने और इसमें कोई भी 4K रिकॉर्डिंग नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गई, अब मैं आपको बता दूं कि Xiaomi क्लेम कर रहा है कि इसमें क्या क्या अपडेट आया है। तो और यहाँ पे मैं बात नहीं में दिखा देता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर Xiaomi हर बार की तरह इस बार भी जो अपडेट में बताया है, वाट्स ने जो बताया है वो है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी सिस्टम को इतना ऑप्टिमाइज कर रहा है कि मैं क्या बताऊं ये कितना ऑप्टिमाइज कर रहा है और ये कितना इसे फिक्स कर रहा है, लेकिन 4K नहीं लाएगा, फिक्स बक्स पता नहीं इसमें कितना फिक्स करेगा। जो फिक्स है जो प्रॉब्लम है उसको ठीक ही नहीं कर रहा, जैसे आप देख सकते हैं कैमरा में पोर्ट्रेट ने पोर्ट्रेट जूम को हटा दिया, जो हम लोग का बेस्ट कैमरा कैमरा बेस्ट में कैमरा बूस्ट होने के बावजूद भी इसमें पोर्ट्रेट जूम का फीचर था उसे उसे रिमूव कर दिया है और बोलता है फिक्स बग्स। तो दोस्तों ये तो हो गई अपडेट Xiaomi की तरफ से। अब Xiaomi जो क्लेम कर रहा है कि क्या क्या अपडेट आया है MIUI 10 8.2 के अपडेट में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो Xiaomi क्लेम कर रहा है यहाँ पर MIUI 10 में क्या क्या स्नीक पीक है ऑप्टिमाइजेशन और बग फिक्सेस में जो दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बग फिक्सेस है, जो फिक्स वेरिफिकेशन शुड बी सर्टिफिकेशन इन सेटिंग्स, तो Redmi Note 5 Pro में तो सेटिंग्स में वेरिफिकेशन बोल रहे कुछ एरर आता था सर्टिफिकेशन का, तो उसे फिक्स किया गया है, मुझे तो कोई ऐसा एरर नहीं आता था। अगर आप लोगों को ऐसा कोई एरर आता था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। MI6 के लिए जो नोटिफिकेशन नहीं आता था लॉग स्क्रीन पे उसे फिक्स कर दिया गया, तो लॉग स्क्रीन इसे बोलते हैं, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था उसे Xiaomi ने MI6 के लिए फिक्स कर दिया है। और जब कोई मैसेज आता था MI5 में तो नोटिफिकेशन LED काम नहीं करता था, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन LED होता है वो काम नहीं कर रहा था उसे फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गई अपडेट। अब मैं आपको बता दूं जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि Xiaomi ने कुछ अपडेट लाया, कुछ चेंजेस लाया। तो सबसे पहले जो चेंजेस है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टी का आइकॉन उसे चेंज कर दिया है। MIUI 9 पे जो वोल्टी का आइकॉन था वो बड़े साइज में लिखा आ रहा था, फिर MIUI 10 में उसे वोल्टी हटाकर HD का सिंबल लगा दिया था, और अब फिर से यहाँ पे वोल्टी का सिंबल आ गया है। यहाँ पे जो सैमसंग के डिवाइस में खास तौर से आपने देखा होगा कि जो वोल्टी का आइकॉन था वो सेम आइकॉन यहाँ पे कर दिया है Xiaomi ने अपने MIUI 10 8.2 की अपडेट में। उसके बाद दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं थीम में
सामने कैटेगरी वाइज यहाँ पे ले आया कैटेगरी वाला ऑप्शन। पहले यहाँ पर सिर्फ तीन ऑप्शन आता था न्यू सिलेक्ट और टॉप सेट का, लेकिन यहाँ पर अभी कैटेगरी का ऑप्शन भी ले आया, उसने बहुत सारे कैटेगरी दिए हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कोई भी थीम का आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद से जो थीम था जो MIUI 10 चाइनीज वर्ल्ड में अवेलेबल था, तो ये थीम में जैसे देख सकते हैं आप जो डिफॉल्ट में है, जो डिफॉल्ट थीम है लिमिटलेस के थीम को हटा दिया है स्वामी ने। क्लासिक थीम MIUI 9 का थीम है और ये नया थीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसमें काफी अच्छे खासे एनिमेशन दिया हुआ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनिमेशन किस टाइप के। तो अगर हम लोग थीम किसी भी MIUI एप्लीकेशन को अगर ओपन करेंगे हम लोग क्लोज करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि एनिमेशन दिखेगा आपको। तो अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन किया, मैं जब इसे क्लोज करूंगा तो आप एनिमेशन देख सकते हैं, एनिमेशन देख सकते हैं। सेटिंग्स को आप देखेंगे जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो आप देख सकते हैं ये एनिमेट कर रहा है। तो आप मैसेज वाले एप्लीकेशन में देख सकते हैं जब मैं इसे ओपन करके जब क्लोज करूंगा तो इसमें एनिमेशन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग Xiaomi जो MIUI एप्लीकेशन है उसमें एनिमेशन का ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद जो MIUI ड्रॉप है, MIUI ड्रॉप में हम लोग कोई फाइल को शेयर करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है। हालांकि ये ऑप्शन पहले भी अवेलेबल था, मैं आप लोगों से बताना भूल गया था। तो डेस्टिनेशन फोल्डर दे दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ पर कोई सा भी लोकेशन को चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम लोग MIUI ड्रॉप से कोई फाइल को शेयर करते हैं तो आप अपने हिसाब से उस फाइल को चूज कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास Redmi Note 5 है तो Redmi Note 5 यूजर के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इनके डिवाइस में फेस अनलॉक का फीचर्स को अवेलेबल कर दिया गया है। तो कैसे फेस अनलॉक को इनेबल करना है, तो सेटिंग में जाना है, लोकेशन एंड पासवर्ड में जाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये तो मेरा Redmi Note 5 Pro है, लेकिन जिसके पास Redmi Note 5 है उसके डिवाइस में भी यहाँ पर एड फेस डाटा आ गया है। और दोस्तों ये सिर्फ इंडियन रीजन के लिए आया है। अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान, अगर आपको फेस डाटा का फीचर्स नहीं मिला है तो आप अपनी लोकेशन को आप अपने रीजन को चेंज कर ले एक बार। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर रीजन सर्च करेंगे, रीजन में जाने के बाद आपको जैसे आप देख सकते हैं हम लोग इंडिया आ रहा है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप अपने रीजन को इंडिया में चूज कर लें अगर आप फेस लॉक का फीचर्स उठाना चाहते हैं तो। उसके बाद जो गेम सेंटर का एप्लीकेशन था आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम सेंटर का एप्लीकेशन बोल के आता था यहाँ पर, जिसे रिमूव कर दिया गया है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो सेटिंग्स में जो हमने नोटिफिकेशन बार को जब नीचे करते थे तो हम लोग जो सर्च बार का जो आइकॉन था इसे फिक्स कर दिया, क्लिक करते ही MIUI ब्राउजर ओपन होता है। और दोस्तों और भी अपडेट जो आया था तो आइकॉन को चेंज किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो GPS का आइकॉन इसे चेंज किया गया है। और दोस्तों एक मेजर अपडेट, अगर आप कोई एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, MIUI एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं और आपको ऐड दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने MIUI म्यूजिक को ओपन किया तो यहाँ पर ऐड दिखा रहा था। आप चाहें तो इस ऐड को बंद कर सकते हैं। तो इस ऐड को बंद करने के लिए आप हम लोग सिंपल जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक कम्बिनेशन में जो ऑप्शन आ रहा है हम इसे डिसेबल कर देंगे तो जो हम लोग को यहाँ पर ऐड आ रहा है वो ऐड आना बंद हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में अगर ऐड आ रहा है MIUI की एप्लीकेशन में तो आप जाकर उसे सेटिंग में बंद कर दे। तो मैं आपको थीम में भी दिखा देता हूँ, थीम में भी बहुत सारे ऐड आते हैं तो हम लोग इसी वजह से बंद कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं शो एडवर्टाइजमेंट, हम लोग इसे डिसेबल कर देंगे तो हम लोग कोई भी यहाँ पर ऐड नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई भी ऐड आता है Xiaomi के एप्लीकेशन में, MIUI के एप्लीकेशन में, तो आप जाकर उसके सेटिंग में उसके रिकमेंडेशन को, उसके ऐड वाले सेक्शन को आप डिसेबल कर दिए तो आपको कोई ऐड नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा कि Xiaomi की तरफ से तो सिर्फ कुछ ही फीचर्स को बताया गया था, लेकिन मैं आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाता रहता हूँ क्या अपडेट है, क्या फीचर्स है, क्या बग्स है, क्या अपडेट आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं Xiaomi के रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स लाता रहता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।